अलवर के लिसोड़ा वाले वार्ड में पिछले कई दिनों से चल रही पानी की किल्लत को लेकर आज महिलाओं में झड़प हो गई और नौबत हाथापाई और पत्थरबाजी तक जा पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी समझौते का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बन पाई। इससे पहले भी कई बार पानी के लिए विवाद हो चुका है और बस स्टैंड के पास सड़क पर कई बार जाम भी लगाया गया। मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारी भी पहुंचे लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। वार्ड 18 और 19 में पानी के लिए खोदा गया गड्ढा भी झगड़े की जड़ बना हुआ है। इसे 3 साल से पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और इसके लिए वाटर वॉक से भी लोग लगभग हर हफ्ते में 2 चक्कर तो लगभग कट ही रहे हैं। पानी की वाटर लेवल जिस तरीके से कम जा रहा है, यहाँ से पुरुषार्थी धर्मशाला से लाइन जा रही है जो काफ़ी एरिया को कवर करती है, तो वाटर वॉक्स वालों ने और SDM से, ये लोग SDM से बाकायदा लिखित में लेकर आए हैं कि यहाँ से 1 इंच का पाइप का लाइन मिलान इधर दे दिया जाए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वाटर वॉक्स वाले आए और वाटर वॉक्स वालों ने खोदना शुरू किया तो सामने वाले वार्ड के लोगों ने आके हाथापाई और पत्थर उठा के यहाँ की जो औरतें जहाँ पे खड़ी थी उनको सर पे दे के मारना शुरू किया कि हम लोग यहाँ से पानी नहीं लेने देंगे, जबकि शर्त ये था कि हम लोगों को सिर्फ 1 घंटे पानी की वो दे दो। पानी की किल्लत, सभी को पानी चाहिए, 1 घंटे पानी की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे औरतों के साथ भी ये देखो किसी के पाँव में किसी के सर में पत्थर मारे और जाके हार के पुलिस को बुलाना पड़ा। वार्ड के लोग हम लोग वार्ड 19 से हैं और सामने वाला वार्ड है वार्ड 16। क्या विवाद है आपका किसी विवाद पर? कोई विवाद जैसा नहीं है। ये पाइपलाइन वार्ड 19 की बोरिंग से पूरा पानी जो बोर है उसे 1 बूंद पानी आज तक हम लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि चल रहा था काम, चाहे 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में जैसा भी पानी आ रहा था चल रहा था, लेकिन पिछले 2.5 साल से पानी की 1 बूंद नहीं आ रही है। तो हम लोगों ने SDM से बकायदा लिखित में हम लोग डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं इनको, वाटर बॉक्स के लिखित में, SDM के लिखित में, और शायद आप लोगों को भी दिखाया है। आपका क्या निर्णय हुआ है? कोई अधिकारी मौके पर मैठी जी आए हैं, उन्होंने 4 बजे तक के लिए काम रुकवा दिया है। 4 बजे वाटर बॉक्स दोबारा जाएंगे हम लोग, SDM से भी दोबारा मिलेंगे और बात करते हैं, देखो क्या फैसला होता है। समाधान नहीं होता तो आगे देखो, समस्या का समाधान कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो ये समस्या को यूं कहती हूं तो छोड़ नहीं। सर मामला कुछ भी नहीं है, दरअसल हमारे पुरुषार्थी धर्मशाला की यहाँ से लाइन जा रही है और इसी से पूरे वार्ड में सप्लाई हो रही है, हमारी गली गली में इसी का पानी जा रहा है यहाँ तक कि सिविल लाइन तक। अब इसमें ये लोग पता नहीं कहाँ से एक छोटा सा लेटर लिखवा के लेके आए जिससे किसी के भी आदेश नहीं है, ना तो वाटर वर्क्स के ऑफिसरों का है, ना कोई SDM साहब का है, ना कोई कलेक्टर साहब का है। उसके बावजूद इन्होंने पीछे से ये नाजायज खड्डा करवा करके और इसमें कनेक्शन लेने की कोशिश की है और ये मोहल्ले वाले इकट्ठे कर रखे हैं। बस स्टैंड के सामने भी लोगों की पानी की समस्या को लेकर 2 पक्षों में विवाद है, एक मोहल्ले और दूसरे मोहल्ले के बीच विवाद है। जिस मोहल्ले को इस पाइपलाइन से कनेक्शन हो रहा है वो दूसरे वाले मोहल्ले में कनेक्शन करने पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। दोनों वार्डों का आपसी मामला है इनका पानी को लेकर? हाँ, पानी को लेकर दोनों वार्डों का मामला है और फिलहाल दोनों पक्षों में समझौता करवाया, कल तक दोनों का निस्तारण हो जाएगा। AN साहब का कहना है कि मैं इनको आधा इंच कनेक्शन दूंगा, जिसमें क्या है कि जैसे भी बीच में इनकी पानी की ज़्यादा किल्लत रहेगी तो उससे इन लोगों की पूर्ति हो सके, और कल तक इन लोगों में समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन साहब किस तरह से इन लोगों को संतुष्ट करेंगे तो कल 10 बजे तक का दोनों पक्षों को AN ने टाइम दिया है। नहीं पत्थर नहीं, पथराव जैसे कोई बात नहीं हुई, ये महिलाएं हैं, कहाँ सुनी होती है, ऐसे विवाद में हल्की फुल्की हो जाती है और छोटी मोटी बातों को लेके पुलिस भी ज़्यादा आक्रोश में नहीं आती, लोगों को समझाती है और हमने भरपूर इन दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की है और हमारी समझाइश के बावजूद ही दोनों पक्ष अलग अलग हो गए हैं और कल 10 बजे तक AN ने कोई अगला विकल्प ढूंढने के लिए आश्वासन दिया लोगों को और दोनों पक्षों को संतुष्ट किया जाएगा और जिन लोगों के पास भी पानी की समस्या आ रही है उन लोगों की पानी की समस्या का समाधान के लिए इन साहब ने कहा है कि मैं बिल्कुल आप लोगों का हल ढूंढ लूंगा कल 10-11 बजे तक। तो